तो देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं सुभाष नगर वाली साइड, सुभाष नगर वाली साइड से जा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली काफी ज्यादा अगर कोई चले जाए ना तो फिर समझ लो कि उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती है अगर ढूंढने पे भी। अभी जो है थोड़ा सा ट्राई मार के आते हैं गाड़ी का, देखते हैं गाड़ी कैसे चलती है। जो हमारा ट्रिप रहने वाला है आज तक का ना, मुझे लगता है कि YouTube पे तो कभी नहीं आया होगा वैसे ट्रिप। इससे अगले से अगले व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बलेरो देखने के लिए। गाड़ी तैयार हो चुकी है बट उसका कोई RTO का मसला रहा हो चुका है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल RD व्लॉग्स। तो ये मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, ये पता नहीं पटाखे मार रहा है इसको अंदर करवा। तो गाइस यार आज का सीन ऐसा है कि यार अभी मैं जा रहा हूँ अखनूर वाली साइड, तो अखनूर में कुछ काम है अपने अपन को, अपन दोनों को काम है अखनूर में। एक्चुअली हम गाड़ी देखने जा रहे हैं। तो और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे साथ हुई है और वो चीज़ मैं आपको अगर जब होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और शायद मुझे लगता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब खुश होंगे उस चीज़ को लेकर। तो चलो पहले तो चलते हैं अखनूर, उसके बाद आपसे करते हैं बात, ठीक है। तो देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं सुभाष नगर वाली साइड, सुभाष नगर वाली साइड से जा रहे हैं। गई नहीं बहुत गंदा लड़का है, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम बंतलाव रुके हुए थे जस्ट बिकॉज यार ब्लैक कलर का ये लिया क्योंकि बुलेट में जा रहे हैं, गर्मी हो जाती है काफी ज्यादा, तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं यार, बुलेट में प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी भी यार, ले लिया हमने। 5-5 लाख रुपए का एक है, 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए के 5 लाख 20 लाख रुपए के हमने बिल भी दे दिए। तो चलते हैं अखनूर, तो दिखाते हैं आपको हम क्या लेने जा रहे हैं। जो गाड़ी लेने जा रहे हैं 1.5 करोड़ की गाड़ी, हाँ 1.5 करोड़ की गाड़ी है वो, तो वो लेने जा रहे हैं हम, है ना। सेकेंड हैंड है तो 1 करोड़ की है नहीं, फिर 200-300 करोड़ की तो होती है आराम से। अब ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये अखनूर वाला जो मेन हाईवे, उधर से हम नहीं जा रहे हैं, दूसरी साइड का कोई रास्ता है, ये पता नहीं क्या है हमें खड़गन्ना, तो तू फड़गन्ना तू लड़गन्ना तो ऑफ रोडिंग के लिए काफी बढ़िया जगह है यार। चलो और जाएंगे अखनूर आज 1-2 साल तक। नहीं चलो जल्दी जाएंगे तो 4 साल में पहुंच जाएंगे। खाते यार भूख लगी है, घर से कुछ नहीं खा के आया, ये तो चला रगड़ के आया भाई मुर्गा, बट मैंने भी कहा मैं वेजिटेरियन हूँ ना, मैं मुर्गे नहीं खाता। तो एक काम करो पैसे भेजो सारे लाला, मुर्गे के सारे पैसे भेजो। और तब हम पहुंच चुके हैं जो अखनूर का जो दरिया है, दरिया के जो नया पुल बना हुआ है, पुराना जो ओल्ड पुल है वो है, ओल्ड पुल से भी आपको निकालेंगे। तो आप अभी हम दरिया वाली साइड भी जाएंगे और जो वहाँ पे जाके पान करेंगे। तो गाइस अभी हम अखनूर आए हुए हैं, आपको चीज बता दूंगा थोड़ी देर तक, बट आपको एक भाई से मिलाते हैं जो अपने सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लाइक कि यार ये कल स्पेशली मेरे घर के बाहर खड़े थे बट मैं उधर था नहीं, तो अभी अखनूर आया हुआ था, मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई इधर आ जाओ। हेलो, तो ये भाई साहब हैं। तो भाई कैसे हो? बस बढ़िया। नाम क्या भाई आपका? मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार, तो थैंक यू यार भाई इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। तो ये रिहाड़ी आ चुके थे मेरे घर के बाहर खड़े थे, भाई ने बोला कि यार भाई मिलने आओ, तो मैं उस टाइम पे था नहीं अवेलेबल, तो फिर आज मैं अखनूर आया तो मैंने को फ़ोन किया, मैं आओ यार आप स्पेशली आ जाओ यहाँ पे मिलने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार अखनूर से भी इतना अच्छा प्यार, इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट यार। तो गाइस हम जा रहे हैं वापस, देख सकते हो यार ये चिनाब दरिया है, और ये सीरियसली बोल रहे हो आपको देखने में इतना लग नहीं रहा होगा बट बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा डूबा है यहाँ पे, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अगर कोई चले जाए ना तो फिर समझ लो कि उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती है अगर ढूंढने पे भी। कहते काफी लोगों ने हमें सुसाइड करने की कोशिश की है, जिन्होंने की है वो वापस नहीं मिले, उनकी डेड बॉडी भी तक नहीं मिली, वो पाकिस्तान गए उस साइड चले गए उस बॉडी। तो ये सिंगल साइडेड पुल है, एक साइड मतलब कि जब एक साइड से गाड़ी आ रही होती तो दूसरी साइड से रोक देते हैं, जब दूसरी साइड से आ रही होती तो पहली साइड से रोक देते हैं, वैसा कुछ सीन होता है यहाँ पे। तो बाकी देखिए तो यहाँ पे इस साइड से गाड़ियाँ आ रही, तो इस साइड वाली जो गाड़ियाँ वो रोक दी गई थी। एक्चुअली क्या सीन हो रहा है कि हम बहुत आस्ते चल रहे हैं क्योंकि यार वो ऑल्टो जो है ना उसका एक जो टायर है वो उस टायर की बहुत बुरी कंडीशन है और कोई पता नहीं कहीं भी वो फट सकता है, तो हम कोई टायर वाला देख रहे हैं जहाँ पे हम टायर का पंचर लगवाएं, जो उसकी स्टपनी पड़ी है वो उसमें लगाएं क्योंकि वो 13 नंबर है, बाकी 3 टायर 12 नंबर तो बबलिंग कर रहा है। और बाकी कहीं यार अखनूर आके एक और चीज़ पता चली है यार कि यहाँ पे भी मेरे बहुत ज़्यादा लाइक है, बहुत प्यार है यहाँ से मुझे
यार, बहुत सारे मेरे अपने भाई बंधु जो है मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे स्पेशली यार रोक रोक के स्पेशली कोई तो मिलने आया, कोई किसी ने रोका स्पेशली और किसी ने बोला आरटी ब्लॉग में बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच। कोई मेरा भाई अखनूर से देख रहा है तो यार लव यू यार, लव यू यार, थैंक यू सो मच यार फॉर योर सपोर्ट। तो गाइस जीरो की स्पीड है, बहुत आगे चल रही है, आ रहा है यार, टायरों की बहुत बुरी कंडीशन है तो चला रहे हैं गाड़ी आस्ते आस्ते जा रहे हैं यार। पीछे एक टायर वाले के पास रुके थे, हमने सोचा सेकंड हैंड टायर डलवा लेते हैं, तो सेकंड हैंड टायर का भी उससे 1200 रेट बोला मैंने, मारुति का जो नया टायर डलवाया था 2000 रुपये का नया टायर सीएट का, तो उन्होंने 1200 बोला सेकंड हैंड का, वो भी इतनी बुरी कंडीशन में। मैंने बोला यार तो यार जम्मू में देखेंगे कोई शॉप होगी तो वहाँ से डलवा लेंगे। तो गाइस चेक आउट दिस पोल्यूशन, भट्टी में से निकल रहा है, सोच सकते हो कितना पोल्यूशन एनवायरमेंट में जा रहा है, बहुत गर्मी हो गई है। तो गाइस गाड़ी जो है हम वो लेके आ गए थे, उसके बाद जो है मैंने अपनी जो जिप्सी है ब्लू कलर वाली, तो उसको उसका ना थोड़ा डिफरेंशियल का थोड़ा काम था वो करवाने के लिए दिया था, ऑयल्स वगैरह चेंज करवाने थे तो वो करवा दिए गए हैं। अभी जो है थोड़ा सा ट्राई मार के आते हैं गाड़ी का, देखते हैं गाड़ी कैसे चलती है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बहू प्लाजा और अक्षय भाई के पास, तो गाड़ी जो है यार गाड़ी की मैंने भी ट्राई ली, मेरे दोस्त ने भी ट्राई ली है और बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं कहता हूँ इतनी स्मूथ होगी ना गाड़ी, लाइक इसका ना डिफरेंशियल आइसक्रीम खा रहा है अपन, तो एक्चुअली इसका ना डिफरेंशियल का काफ़ी लाइक ऑयल जो था वो पुराना हो गया था, तो पुराना क्या हो गया था किस्म का चेंज करवाना ही पड़ता है, चेंज करवाया और उसके बाद छोटा मोटा काम करवाया तो ये गाड़ी इतनी स्मूथ हो गई और बहुत बढ़िया चल रही है। बाकी तो इंजन का मैंने करवा ही लिया था BC रोड से रवि अंकल के पास से। तो गाइज हमने अब एक जो है ट्रिप के लिए जो प्लान करा था तो वो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कल से हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपको ना हम जो नेक्स्ट व्लॉग होगा इसके बाद वाला उससे हम आपको सारा बताना स्टार्ट कर देंगे कि हमने कैसे जाना है, किस पे जाना है और क्या हमारे प्लानिंग्स हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली जो हमारा ट्रिप रहने वाला है आज तक का ना मुझे लगता है कि यूट्यूब पे तो कभी नहीं आया होगा वैसे ट्रिप है ना, और गाड़ियाँ जाने वाली तीन बंदे होंगे, हो सकती है, कुछ पता नहीं है। बंदे होंगे दो, गाड़ी होंगी तीन, अब मुझे नहीं पता तीन होंगी या दो होंगी, एट लास्ट आपको पता ही है फिर यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं। दो बंदे से पहले गाड़ियां कैसे लेके जाएंगे, तो वही तो सस्पेंस है यार मैं तो फिर ये चीज़ तो हम साइड पे रखते हैं। और तो काफ़ी लोग मेरे को आज के ब्लॉग में बोल रहे हैं बलैरो बलैरो बलैरो, तो बलैरो का एक एक्चुअली सीन हो गया हुआ है, वो भी मैं आपको इससे अगले से अगले ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ बलैरो देखने के लिए, गाड़ी तैयार हो चुकी है बट उसका कोई RTO का मसला रहा हो चुका है, तो वो मसला क्लियर करने के लिए मैं जा रहा हूँ, देखते हैं होता है क्लियर तो ठीक है, नहीं होता होगा तो यार बहुत देर से फंस गए, मेरे पैसे भी फंसे हुए हैं तो कोई और न्यू प्रोजेक्ट नहीं आ पा रहा, आपको भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, वो करना पड़ेगा मुझे जाके यहाँ से मसला हल करना पड़ेगा, अगर नहीं मसला हल हुआ तो फिर देख लेंगे जो भी होता है। बाकी मैं आपको बलैरो दिखाऊंगा, बहुत प्यारी तैयार हुई है गाड़ी यार, बहुत ही ज़्यादा। कल या परसों हमने शायद लुधियाने जाना है, चले तो चलते हैं, मैं करता हूँ वीडियो को इधर ही एंड, अगर वीडियो छोटी होगी तो प्लीज़ यार माइंड मत करना जस्ट बिकॉज कि यार आज मैंने इतना शूट करा नहीं है, क्योंकि आपको तो फ्रेंड दोस्तों यारों के साथ वीडियो शूट करने का वो नहीं रहता। बाकी आपको अगर डेली व्लॉग में अगर मज़ा आता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि मैं डेली व्लॉग करूँगा, अपने लाइफ स्टाइल जो भी है मेरा सब कुछ दिखाऊँगा आपको, वैसे भी कोई इतने तगड़े स्टार शू तो है नहीं है बट फिर भी जितना भी है तो मैं आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी मैंने दो जर्सीज ली हैं और एक पैंट लिया, वो भी मैं कल आपको डाल के दिखाऊंगा मैच डाल पूरा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।